उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक बेहद ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ सोमवार को हाईवे पर एक दूध से भरा टैंकर हादसे का शिकार हो गया। हाईवे पर दूध से भरे टैंकर के पलट जाने की सूचना जैसे ही आसपास के लोगों को लगी तो लोगों में दूध को लूटने की होड़ मच गई। राहगीर और ग्रामीण हाथ में बाल्टी बोतलें जो भी हाथ लगा उसमें दूध भर भर कर मौके से फरार हो गए। दरअसल ये घटना हापुड़ के सिंभावले थाना क्षेत्र के बक्सर के पास हुई। यहाँ एक दूध से भरा हुआ टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद टैंकर में भरा हुआ हजारों लीटर दूध सड़क पर फैलने लगा। दूध के टैंकर से बहते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग बोतल बाल्टी और आदि अन्य सामानों के साथ टैंकर से दूध भरने लगे, जिससे भारी भीड़ वहां पर जमा हो गई और लोग दूध के टैंकर से दूध निकाल कर ले जाते हुए दिखाई देने लगे। इस मामले की जानकारी पुलिस को होने पर पुलिस ने टैंकर से दूध भरने वालों को रोका और क्रेन बुलाकर किसी तरह दूध के टैंकर को सीधा किया गया। हालांकि इस मामले में कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। वहां से गुजर रहे लोगों ने दूध के कैंटर की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दी। मात्र छाया हॉस्पिटल दिल्ली जैसी सुविधा अब बुलंदशहर में पहली बार। गुर्दे की पथरी दूरबीन द्वारा किडनी स्टोन एवं प्रोस्टेट का ऑपरेशन, किडनी का कैंसर दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा। पता है RTO ऑफिस के सामने, दिल्ली रोड भूड़, बुलंदशहर।